झुंझुनू जिले में बदमाश एटीएम उखाड़ कर ले गए। बदमाशों ने चिड़ावा शहर के मंडरेला बाईपास चौराहे के पास लगे एसबीआई बैंक के एटीएम को निशाना बनाया। बदमाश 12 लाख रुपए से भरा एटीएम उखाड़ कर 25 किलोमीटर दूर बड़सरी गांव के खेत में ले गए। यहां रुपए लूटकर एटीएम को वहीं छोड़कर फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। चिड़ावा क्षेत्र में 25 दिन में यह पांचवीं लूट की वारदात है। पुलिस अब यह अंदेशा जता रही है कि यह गैंग हरियाणा की हो सकती है। इससे पहले बदमाशों ने चिड़ावा में ही बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को लूटने का प्रयास किया। यहाँ भी उन्होंने सीसीटीवी को काले रंग की स्प्रे कर ढक दिया, लेकिन अचानक से कुछ गाड़ियां निकलने लगी तो बदमाश डरकर वहां से फरार हो गए। अब बदमाशों ने एसबीआई बैंक के एटीएम को निशाना बनाया। पुलिस के अनुसार एटीएम की सुरक्षा के लिए एक गार्ड और दो होमगार्ड की ड्यूटी थी, लेकिन रात 2 बजे करीब तीनों ही पास की दुकान में चाय पीने चले गए। इसका फायदा उठाकर बदमाश एटीएम में घुसे और वहां रुपए से भरा एटीएम उखाड़ कर ले गए। चेहरा न दिखे इसलिए सीसीटीवी पर काले रंग का स्प्रे भी कर दिया। पुलिस को मौके पर गाड़ियों के टायर के निशान मिले। पुलिस का दावा हरियाणा की गैंग। पुलिस का दावा है कि हरियाणा से सटा इलाका होने के कारण अपराधी वारदात करने के लिए राजस्थान में आते हैं, फिर हरियाणा के सीमा में भाग जाते हैं। ऐसा ही सूरजगढ़ के बड़ौदा में एटीएम लूट की वारदात में भी हुआ। बदमाश हरियाणा से आए और 2 घंटे में एटीएम लूटकर हरियाणा की सीमा में घुस गए। पुलिस अब बॉर्डर इलाके के सीसीटीवी खंगाल रही है।